Excuse me? Yes? भैया ये पैसे यहाँ गिरे हुए थे, आपके हैं क्या? हाँ हाँ मेरे ही हैं। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। वैसे तुम्हें ये पैसे मिले थे, तुम लेके चुपचाप जा भी सकते थे, किसे पता चल रहा था? मैं अपनी सिचुएशन देखूं तो मैं पैसे रख सकता था, मुझे इनकी नीड भी है, बट ये पैसे तो आपके हैं ना, और मैं नहीं जानता ये आपने कितनी मेहनत से कमाए होंगे, और ईमानदारी से बड़ी कोई कमाई नहीं है, और कुछ पैसों के लिए मैं खो नहीं सकता, और भले ही मुझे यहाँ कोई नहीं देगा पर ऊपर वाला तो सब देखता है ना। तुम जैसे लोग कम होते हैं इस दुनिया में। वैसे कहाँ जा रहे हो? आज इंटरव्यू है मेरा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। तुम यहाँ इंटरव्यू देने आए हो? तुम्हें पता है ना कि ये मैनेजर की पोस्ट के लिए, सफाई करने वालों के लिए नहीं। हमारी पर्सनालिटी देख, ये जॉब हम जैसों के लिए, तुम जैसों के लिए नहीं। हाँ हमें क्या पता कि इसे मैनेजर के लिए नहीं, सफाई करने के लिए बुलाया। वैसे भी तेरा सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं, इससे पहले कंपनी वाले तेरी इंसल्ट करके तुझे बाहर निकाले, तू अपने आप ही चला जा, कम से कम तेरी इज्जत तो बची रहेगी। आप लोगों का इंटरव्यू शुरू हो गया, आप लोग आ जाइए। बैठिए। उन्होंने मेरे को बोला है। मुझे बोला है? उन्होंने मेरे को बोला है। एक्सक्यूज मी। रुकिए, मैंने तुम्हें नहीं उन्हें बोला। इसकी जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। पर सर इंटरव्यू तो अभी तक हुआ ही नहीं। इंटरव्यू तुम लोगों का पहले ही हो चुका है। पहले ही हो चुका है? मतलब सर? मतलब ये कि जब तुम दोनों को पैसे मिले थे वो मैंने रखे थे तुम लोगों की ईमानदारी और इंसानियत चेक करने के लिए, तुमने और तुमने पैसे उठाए और किसी से पूछा भी नहीं लेके चल दिए, वहीं इन्होंने पैसे उठाए और मुझे ला के दिए। इससे इनकी इंसानियत का, इनकी ईमानदारी का पता चलता है। मुझे अपनी कंपनी के लिए एक ईमानदार मैनेजर चाहिए। अगर मैं तुम में से किसी को रख लेता हूँ और दूसरी कंपनी तुम्हें कोई लालच देती है, बड़ा ऑफर देती है, तुम तो सारे सीक्रेट उन्हें बता दोगे। सर अगर हमें पता होता कि वो आपके पैसे, सर हम आपको वहीं पर वो पैसे लौटा देते। हाँ सर हम तो उठाते ही नहीं, और मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा नीड है, प्लीज आप मुझे ये जॉब दे दीजिए। ये जॉब उसे मिलेगी जो डिजर्व करता है, उसे नहीं जिसे इसकी जरूरत है। तुम दोनों जा सकते हो। सर पर परवर कुछ नहीं। और हाँ वो पैसे भी देते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर मुझे जॉब पे रखने के लिए, मुझे जॉब की बहुत जरूरत थी। तुम इस जॉब को डिजर्व करते हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत है और ईमानदारी भी जो मुझे अपनी कंपनी में चाहिए था। सर हम गरीबों के पास बस एक ईमानदारी तो है। तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। जी सर थैंक यू सो मच।